हेलो दोस्तों, आज हम चिमनी के बारे में पढ़ेंगे। जो ईटा उटा पकाने के लिए चिमनी बनता है, लंबा सागे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये चिमनी में क्या क्या होता है आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये चिमनी भी बहुत टाइप का होता है। रिक्टेंगुलर चिमनी का भी टाइप टाइप होता है। रिक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और सर्कुलर सर्कुलर भी हो सकता है। जैसे देखिएगा, ये ऐसा ही चिमनी होता है। ये बाहर बाहर है, अंदर से ऐसा कहीं दिखेगा। अंदर वाला प्रोजेक्ट ऐसा होगा। ये सर्कुलर बना रहे हैं। इसी टाइप का चिमनी होता है। इन्हें से धुआं लगता है, इन्हें आग लगता है, इन्हें धुआं बाहर निकलता है। इसे होते हैं, यही है चिमनी। और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि चिमनी पे लोड के चलते कैसे कैसे इफेक्ट होता है। चिमनी को हम लोग को खड़ा करना है, बनाना है, तो कौन कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए हम लोग इसको खड़ा करेंगे, बनाएंगे, इसी के बारे में देखना है। देखिए, इसमें मेनली दो ही चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहला, इसका अपना सेल्फ वेट का, इसका सेल्फ वेट का, और दूसरा जो हवा हुआ चलता है, विंड प्रेशर लगता है, और दूसरा विंड प्रेशर का। यही दोनों के ज़्यादा देखते हुए, मतलब इसी दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करते हैं, और इसी को देखते हुए हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। और देखिए, सेल्फ वेट और विंड प्रेशर के चलते क्या क्या हो सकता है। इसका अंदर वाला कुछ डायमीटर होता होगा, छोटका डी ले लेते हैं, और बाहर वाला कुछ डायमीटर होता होगा, बड़ा डी। और देखिए, जब इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन ऊपर से ऐसे गोला जाएगा। ऊपर से क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो कहीं ऐसा गोला दिखेगा। ये बड़ा डायमीटर है और ये छोटा डायमीटर है, और ये इसका सीजी, ये इसका सीजी है। अब देखिए, इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब हवा चलेगा तो इसका चारों कड़े सरफेस पे लगेगा। तो मान लेते हम लोग इधर से हवा चल रहा है, तो इसका इधर सरफेस पे प्रेशर लगेगा, हवा का ये प्रेशर, ये पी है, ये विंड प्रेशर। इस पे लग रहा है विंड प्रेशर लग रहा है, और इस विंड प्रेशर के चलते इसमें क्या आ सकता है। ये तो अपना बॉटम में नीचे गड्ढा खोद के, मिट्टी खोद के, यहाँ फाउंडेशन से वहाँ देखो ऊपर उठाया जाता है। और देखिए, जब विंड प्रेशर लगेगा तो विंड प्रेशर के चलते ये क्या होगा कि बेंड होना चाहेगा। मतलब जैसे ही हवा एक बैक लगेगा, जोर से लगेगा, तो ये मुड़ने को होगा, मतलब मुड़ने का टेंडेंसी रखेगा या बेंड होने का टेंडेंसी रखेगा। तो विंड प्रेशर के चलते बेंडिंग होने का टेंडेंसी रखता है, मतलब ये बेंडिंग फोर्स लगा रहा है। तो वहाँ बेंडिंग फोर्स लगा रहा है तो मतलब वहाँ से कुछ बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो विंड प्रेशर से बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग को मिल जाता है। और देखिए, और ई कंक्रीट का बना होगा या मैसेनरी का बना होगा, जो जिस चीज़ का बना होगा, इसका अपना कुछ सेल्फ वेट भी होता है। देखिए, ये सेल्फ वेट होता है, इसका सेल्फ वेट सीजी पे काम करेगा, ये इसका सेल्फ वेट डब्ल्यू है मान लेते हैं। तो अगर इसका सेल्फ वेट अपना बढ़ते गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बॉटम में जो हम लोग स्ट्रेंथ दिए हैं वो उससे ज़्यादा हम लोग का वेट ही हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर दब जाएगा, टूट जाएगा, मतलब दबेगा। और ये एक्सियल सीधे फोर्स लग रहा है, मतलब डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। तो इसका सेल्फ वेट के चलते डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, इसमें हम लोग डिजाइन करेंगे कि ये फेल नहीं होना है। तो ये दो कंडीशन से फेल हो सकता है, पहला अपना सेल्फ वेट से और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस से। तो इसी दोनों को हम लोग मेंटेन रख के डिजाइन करते हैं, और इसी के बेसिस पे हम लोग को न्यूमेरिकल भी आगे मिलेगा। तो उसके अनुसार न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सेल्फ वेट के चलते इसमें देखिए, सेल्फ वेट के चलते इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और विंड प्रेशर के चलते हम लोग को मिलेगा, यहाँ विंड प्रेशर लगेगा तो हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा।
आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, उसी से रिलेटेड है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, कंबाइंड बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, यही सब इसमें निकालना है। वो सब न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सेल्फ वेट के चलते डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और विंड प्रेशर के चलते बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, अब ये सब कैसे हम लोग निकालें, सेल्फ वेट कैसे निकालें, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालें, डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकालें, वो सब यहाँ से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग को डायरेक्ट स्ट्रेस की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस कैसे निकलता है। डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, ये हम लोग का डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर होता है। अब देखिएगा, यहाँ है फोर्स और यहाँ है एरिया। तो यहाँ फोर्स कौन सा फोर्स लेंगे, देखिए इसका सेल्फ वेट, जितना सेल्फ वेट होगा वो फोर्स होगा, मतलब फोर्स बराबर सेल्फ वेट। और एरिया कौन सा एरिया लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहां से हो सकता है कि सेल्फ वेट अब यहां कैसे निकालें, कि ये यहां से यहां तक एच लंबाई का है, मतलब एच हाइट का है, ये कुछ अपना इसका हाइट होगा। तो देखिए, सेल्फ वेट कैसे निकलता है, सेल्फ वेट का फॉर्मूला होता है, ये कंक्रीट का बना होगा या मैसनरी का, तो मैसनरी का स्पेसिफिक वेट दे देगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सेल्फ वेट निकालने के लिए हम लोग स्पेसिफिक वेट, यानी देखिए ये है स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम, ये क्रॉस सेक्शन एरिया निकल जाएगा, एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो हम लोग को वॉल्यूम निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट हम लोग को दिया रहेगा और वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इनटू हाइट कर देंगे तो हम लोग को यहाँ से सेल्फ वेट निकल जाएगा। और सेल्फ वेट निकल जाएगा तो बस फोर्स बटा एरिया, मतलब वेट बटा एरिया से डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा। ये तो एक चीज निकल गया। अब निकालना है, क्योंकि अब हवा के चलते तो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो पहले बेंडिंग स्ट्रेस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलेगा। तो देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, सिग्मा बी बराबर एम बाई आई इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। यहाँ एम है बेंडिंग मोमेंट, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई है डिस्टेंस ऑफ सीजी फ्रॉम, डिस्टेंस फ्रॉम सीजी टू एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम फाइबर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, बताएंगे क्या होता है। अब देखिए, यहाँ आप कैसे कैसे निकालते हैं, एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ सीखते हैं। सबसे पहला फिगर से जाते हैं, ये तो विंड प्रेशर के चलते होगा। देखिए, ये विंड प्रेशर लगा रहा है इधर, ये तो प्रेशर लगा रहा है पूरा एरिया में, यहां से यहां तक एरिया में लगा रहा है प्रेशर। तो ई कुछ, अब ये प्रेशर लगा रहा है ये पूरा इस एरिया में, तो अब कितना प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को हम लोग फोर्स के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया, और हम लोग को यहां से लेना है कि फोर्स, ये जो हवा लग रहा है, ये हवा तो अपना प्रेशर दे रहा है पूरा एरिया पे, अब ये कितना फोर्स लगा रहा है, यहां से फोर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये प्रेशर हम लोग को दे देगा न्यूमेरिकल में कि इतना किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के प्रेशर से या उतना के इंटेंसिटी से लग रहा है प्रेशर, वो हम लोग को न्यूमेरिकल फ्यूचर में गिवन रहेगा। तो यहाँ से देखिए, फोर्स निकालना है, और ये कौन सा फोर्स, विंड फोर्स है। तो यहाँ से फोर्स निकाले, मतलब हम लिखते हैं विंड फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, ये निकलेगा। और देखिए, यहाँ प्रेशर तो हम लोग को गिवन रहेगा, प्रेशर गिवन रहेगा, और यहाँ एरिया, अब ये देखिएगा, यहाँ अच्छा से समझिएगा कि ये एरिया कौन सा एरिया लें। देखिए, ये एरिया
हम लोग को लेना होता है प्रोजेक्टेड एरिया। जैसे देखिए ये सर्कुलर है, तो सर्कल का प्रोजेक्टेड एरिया जैसे देखिएगा, सर्कल का प्रोजेक्टेड एरिया ये तो ऐसा ही होता है, ऐसा सर्कुलर बनेगा। यहाँ देखिए ऐसा ही होता है बीम, सॉरी ऐसा ही होता है चिमनी। और मान लेते हैं कि इधर से हवा लग रहा है, इधर से हवा लग रहा है, तो इसका हम लोग को निकालना होगा प्रोजेक्टेड एरिया। तो इधर हवा लग रहा है तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हम लोग को इस तरह दिखेगा, इस टाइप का रिक्टेंगल टाइप का हम लोग को प्रोजेक्शन दिखेगा। अब इसी का एरिया निकाल लेना है, तो ये डायमीटर हो जाएगा, जैसे देखिए ये डायमीटर हो जाएगा इस टाइप का, और ये हाइट हो जाएगा। तो डायमीटर इंटू हाइट प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। ये सर्कुलर में होगा, रिक्टेंगल होगा तो रिक्टेंगल का अपना प्रोजेक्टेड एरिया होगा, वो सब ध्यान में रखिएगा। एरिया यहाँ कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ चिमनी, ये यहाँ ध्यान में रखिएगा कि प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। और वहां से निकलेगा विंड प्रेशर। अब देखिएगा यहाँ और होता है कि विंड फोर्स बराबर, यहाँ एक के कांस्टेंट आएगा, और के होता है कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेसिस्टेंस। ये सब चीज न्यूमेरिकल में दे देगा या बता देते हैं। ये के इंटू प्रेशर अपना दिया हुआ रहेगा इंटू एरिया, ये प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। बस इसी से हम लोग को टोटल चीज निकल जाएगा। अब देखिए जब हम लोग का चिमनी, अगर चिमनी रहेगा सर्कुलर या सिलेंड्रिकल, तो हम लोग को के का वैल्यू, तो हम लोग को के का वैल्यू लेना होता है 2/3। और अगर चिमनी रहेगा हम लोग का रिक्टेंगुलर, रिक्टेंगुलर रहेगा या स्क्वायर रहेगा, तो वहां हम लोग का इसका वैल्यू लेना है के बराबर 1। और यहाँ पुट करके अपना सब कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखिए ये तो विंड फोर्स निकला, ये विंड फोर्स निकला, और हम लोग को निकालना था एम। तो मोमेंट बराबर होता है, देखिए ये मोमेंट कहीं एक जगह पॉइंट पे लगेगा फोर्स, ये विंड फोर्स, और ये फोर्स कहाँ पे लगेगा सीजी पे। तो देखिए इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, यहां से यहां तक एच है, तो सीजी H/2 पे कहीं लाई करेगा, मतलब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सीजी। ये यहां से यहां तक H/2 के डिस्टेंस पे, और टोटल फोर्स जो विंड फोर्स है टोटल यहीं एक्ट कर रहा है, टोटल विंड फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है। और देखिए जब यहाँ इन एक्ट कर रहा है तो ये घूमना चाहेगा इधर, तो यहां से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या तो ऊपर या नीचे, ये कहलाएगा इसेंट्रिक डिस्टेंस, ऊपर या नीचे। देखिए एम बराबर क्या होता है, विंड फोर्स इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस, इसेंट्रिक डिस्टेंस। अब देखिए विंड फोर्स को हम लोग निकाल चुके हैं इससे, और इसेंट्रिक डिस्टेंस, इसेंट्रिक डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से हाफ, इस एच का आधा, क्योंकि आधा ही से घूमना चाहेगा, फोर्स तो यहां लग रहा है लेकिन इसेंट्रिक डिस्टेंस इधर होगा सीजी से। तो यहां से इसेंट्रिक डिस्टेंस को ई बराबर H/2, ये हो गया। एम बराबर निकल जाएगा विंड फोर्स इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस, इसेंट्रिक डिस्टेंस H/2। अब देखिए एम तो निकल गया, अब आई, आई निकालना हो तो आई इसका क्रॉस सेक्शन से देखेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन से, ये था हम लोग का सीजी लाइन या न्यूट्रल एक्स, जो भी बोलना हो, इसी के अबाउट हम लोग इसका निकाल देंगे आई। तो आई कितना होता है π/64, ये तो हॉलो था, तो बड़का डी के पावर 4 माइनस छोटका डी के पावर, यहां से निकल जाएगा आई। और वाई देखिए, वाई ये है न्यूट्रल एक्सिस का सीजी, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस, यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला होगा, ये वाला मतलब बड़ा डी का आधा, क्योंकि तो ये बड़ा डी है छोट पूरा, और ये बड़ा डी का आधा, तो वाई बराबर d/2। सब निकल गया। सिग्मा बेंडिंग के लिए एम, जैसे एम कैसे निकालेंगे वो भी सीख लिए।
आई कैसे निकालेंगे वो भी सीखें, वाई कैसे निकालें ये भी सीखें, डायरेक्ट स्ट्रेस का भी हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, अब यहीं से पूछ सकता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस तो निकालना है, तो सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग निकल जाएगा, दोनों हम लोग निकाल ही चुके हैं कैसे कैसे होता है डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का। और अगर मिनिमम स्ट्रेस पूछेगा तो माइनस कर देंगे और क्या, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। देखिए अगर ये निगेटिव वैल्यू दिया, इफ इट गिव्स निगेटिव वैल्यू देन द स्ट्रक्चर विल टेंशन, अगर पॉजिटिव दिया तो अपना कंप्रेशन में रहेगा, अपना ठीक ठाक स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर में रहेगा मतलब ठीक ठाक पोजीशन में रहेगा, और टेंशन जहां हुआ तो मतलब गिरने गिरने का पोजीशन में आ जाएगा। यही है चिमनी का कॉन्सेप्ट, बस इससे ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा चिमनी में। और चिमनी में यही था, इसका अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल में हो जाएगा पूरा चिमनी, और आप बुक पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। थैंक यू।